हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया हिमनानी आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल वी व्यूज फेयर में। इस चैनल के थ्रू हम बात करते हैं होने वाली मम्मी से और हो चुकी मम्मी से। ये वीडियो है हाउ टू इंक्रीज योर मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। तो हमने अपने इसके मैंने दो पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट में मैंने ये बताया कि पहले आप चेक करिए कि आपका मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर आ रहा है या नहीं, आपके बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं, उसके मैंने तरीके बताए हैं। तो आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा आपका मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर है या नहीं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन है अच्छे से आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर कम आ रहा है तो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो नहीं आ रहा है उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको तीन तरीके बताऊंगी। पहले जो तरीके हैं दो, वो सभी के लिए हैं। जो तीसरा तरीका है वो सिर्फ उनके लिए है जिनको मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो हम जो पहला डिस्कस करने वाले तरीका वो ये है कि हमें कैल्शियम, कई बार हमने देखा है कैल्शियम हमारे प्रेगनेंसी के दौरान हम लेते हैं, आफ्टर डिलीवरी हम कैल्शियम बंद कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हम कैल्शियम बंद कर देते हैं। ये मैंने जो की थी गलती अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद की थी, इसलिए मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कैल्शियम की कमी से हमारा मिल्क प्रोडक्शन में भी इफेक्ट होता है और बोन्स भी फ्रेजाइल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम टैबलेट्स आप लेना बंद नहीं करिए। मिनिमम टू मिनिमम आपको 6 मंथ्स तक कैल्शियम टैबलेट लेनी है, और अगर अच्छा होगा जब तक आप फीड कर रहे हैं तब तक आप कैल्शियम टैबलेट्स लें। जो दूसरा तरीका है वो मुखवास है। तो 5 चीज़ों की ज़रूरत है ये मुखवास बनाने के लिए, जो आपको हेल्प करेगी मिल्क प्रोडक्शन में। उसके अलावा ये आपको हेल्प करेगी बच्चे का पेट में गैस, कॉलिक, या आपके पेट में गैस कॉलिक कुछ हो रहा है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जिससे बच्चे के पेट में तकलीफ हो रही है, आपके पेट में गैस हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों में ये आपको बेनिफिशियल होगा। और उसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन में, तो इसीलिए मुखवास बहुत अच्छी है पोस्ट डिलीवरी लेना। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से 5 इंग्रीडियंट्स हमें ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। सो आइए देखते हैं। सो देखिए, हमें इन 5 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी शाह जीरा की ज़रूरत है। ये नॉर्मल जीरे से थोड़ा अलग है, थोड़ा चीपर भी है नॉर्मल जीरे से। ये देखिए, थोड़ा आधा कटा हुआ जीरा है, इसे शाह जीरा कहते हैं। शोपा भी कहा जाता है, सोप भी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में कैरवे सीड्स कहते हैं। सो हमें ये चाहिए। इसके अलावा हमें तिल की ज़रूरत है, सफ़ेद तिल है ये, सेसमे सीड्स, वाइट सेसमे सीड्स। फिर ये हमारे हैं फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ है ये। आप चाहें तो बारीक सौंफ लें, आप चाहें तो थोड़ी मोटी सौंफ लें। बारीक सौंफ से थोड़ा स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा ये हो गई धना दाल, ठीक है, विच इज़ कोरिएंडर सीड्स। और ये हो गया हमारे अजवाइन यानी कि हमारे कैरम सीड्स। सो ये 5 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा काला नमक पानी में घोला हुआ चाहिए। अब रेशियो मैं आपको बताती हूँ, रेशियो का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर चीज़ एक्सेप्ट फॉर अजवाइन, सब चीज़ें 100 ग्राम लीजिए, और इसे लीजिए 200 to 225 grams, यानी डबल होगा ये, ठीक है। अब मैं आपको हर एक चीज़ का बेनिफिट बताती हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे पहले हमने शाह जीरा की बात करते हैं। शाह जीरा जो है आपको पोस्ट डिलीवरी यू नो वेट लॉस में भी हेल्प करता है, प्लस मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपने देखा होगा कि मेरी दादी नानी जो हमारे घर में बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि जीरा खाओ आफ्टर डिलीवरी, उससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो ये वही है, आपको उसी चीज़ में हेल्प करेगा, प्लस आपके वेट लॉस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आफ्टर डिलीवरी। दूसरा हो गया सेसमी सीड्स। तो ये सेसमी सीड्स जो होता है वो रिच होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और सेलेनियम करके एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो भी इसके अंदर होता है। और हम सब जानते हैं आज के टाइम में, सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस है, सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, और कैंसर में भी हमको हेल्प करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मिल्क प्रोडक्शन में आपके लिए, ठीक है, और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। उसके अलावा ये सौंफ और अजवाइन में, इन दोनों के फ़ायदे इसीलिए एक साथ बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों हैं ज़्यादातर एक जैसा ही काम करते हैं, और पाचन में आपकी हेल्प करते हैं, आपके डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सौंफ है और जो अजवाइन है, ये दोनों हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं। पेट में दर्द हो, कॉलिक हो, गैस हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
अगर हमने कई बार होता है ऐसी कोई चीज़ खा ली जिससे बच्चे को पेट में दर्द होने लग गया है, तो वो चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अजवाइन के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बच्चों की बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम, कान में अगर बच्चे को दर्द है तो वो भी इससे अपने आप हील हो जाता है। सो ये दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा ये हो गई धना दाल, ये आपकी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। मैं डालती हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इसमें क्वालिटीज़ है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ये गैस भी नहीं बनाएगा। उसके अलावा आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। जितने न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, जैसे समझो आपने कैल्शियम ली, उस कैल्शियम को या कोई भी आयरन लेते हैं हम, कैल्शियम आयरन जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप लेते हैं, आप फूड के थ्रू ले रहे हैं और सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं, जिसके थ्रू भी ले रहे हैं, ये आपको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसलिए धना दाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी बैक्टीरियल है, इम्यूनिटी बूस्टर है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा हम काला नमक लेते हैं, ब्लैक सॉल्ट, जो आपको हेल्प करता है डाइजेशन में। अगेन वो कैसे यूज़ करना है, मैं अभी आपको ये इन इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे हम मुखवास बनाएंगे, आइए मैं आपको वो बताती हूँ। हमको एक कढ़ाई लेनी है। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे अपना इंग्रेडिएंट, ये हमने अजवाइन डाल ली है। हमें अजवाइन को सिर्फ थोड़ी देर भूनना है। तीन से चार मिनट हम अजवाइन को भून लेंगे। भून के हमें इसे चेक करना है इस तरीके से, वो एक क्रिस्पी हो जाएगी। आप उसे मुंह में डाल के भी चेक कर सकते हैं कि वो कितनी क्रिस्पी हुई है, और चेक करने के बाद अगर वो क्रिस्पी हो गई है, इसकी खुशबू भी निकल आएगी, आपको समझ आ जाएगा कि अजवाइन पक गई है, अजवाइन हो गया। हर एक चीज़ को, हर एक इंग्रेडिएंट को हम इसीलिए अलग अलग भूनेंगे, उसका रीज़न ये है क्योंकि हर एक का भूनने का टाइम अलग अलग होता है। आपको पाँचों इंग्रेडिएंट को इस तरीके से भून लेना है। ये हमने तिल ले लिया है, तिल को हम थोड़ी देर भून लेंगे। तरीका यही है, हर एक का टाइम पकने का अलग है, तो तरीका यही है कि आप मुंह में डाल के चेक करिए एक बार, क्रंची क्रंची लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है, दैट मींस वो हो गया है। दो से तीन मिनट में ही हो जाएगा। टोटल सारे इंग्रेडिएंट्स को भून के वापस बनाने का कंप्लीट टाइम जो लगेगा आपको हाफ एन आवर लगेगा। ये आप अपने डिलीवरी होने से जस्ट पहले, डेट से, ड्यू डेट से पहले आप बना के रख लीजिए डब्बे में, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स टोटल मिलाकर के आपके होते हैं करीब 600 ग्राम, और ये आपका चल जाएगा डेढ़ महीना। आपको दिन में इसे तीन से चार बार खाना है, और आफ्टर डिलीवरी जैसे ही आप घर आ जाइए हॉस्पिटल से, आप अपना ये शुरू कर दीजिए। दिन में तीन से चार बार खाएंगे तो बहुत अच्छा है। आफ्टर एवरी मील तो बहुत ही अच्छा है। ये हमारे तिल भी भून गए हैं। अब ये हमारी भुनी हुई अजवाइन है जो हमने भुनी थी। ये मेरा काला नमक को मैंने पानी में घोल लिया है, ठीक है। आपको काला नमक लेना है और थोड़ा सा पानी लेना है, उसको पानी में घोल लेना है इस तरीके से। अब ये जो काला नमक वाला पानी है वो हम अजवाइन में इस तरीके से डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक स्पून की सहायता से। अब ये मिक्स किया हमने तो थोड़ी गीली हो गई है, इसको बस इतना ही सुखाएंगे कि ये वापस ड्राई हो जाए। थोड़ा ही पानी डालना है, मैंने यहाँ स्पून का यूज किया है क्योंकि मैंने काफी बार बनाया है। आप पहली बार बनाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाथ में लेके छींटे मारिए उसके, वो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका होता है। और आप चाहें तो उसे, मैंने कटोरी में निकाला है, आप उसे प्लेट में निकाल लीजिए, गरम गरम रहेगा,
आप निकाल के हर एक इंग्रेडिएंट को रखते जाइए। एक इंग्रेडिएंट यहाँ भून रहा है, दूसरे जो इंग्रेडिएंट आपने भून के निकाल दिया, आप उसमें सॉल्ट वाटर के छींटे लगा के उसको मिक्स करके रखिए वापस उसको भूनने के लिए, तो इससे आपका टाइम बचेगा। ये देखिए ये सूख रही है, अलग अलग हो गई, ये देखिए अभी वैसे ही थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी जैसे ही, तो हमारी रेडी हो जाएगी ये चीज। ये प्रोसेस जो है दो बार करने का, ये आपको हर एक इंग्रेडिएंट्स के साथ करना है, पांचों इंग्रेडिएंट्स के साथ करना है। ये पांचों इंग्रेडिएंट्स के साथ आप जब कर लेंगे उसके बाद आपको इस तरीके से सारी चीजों को मिक्स कर देना है। देखिए ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, आप इसमें देखेंगे धना दाल भी है, तिल भी है, जीरा भी है, सौंफ भी है, सारी चीजें हैं। ये मेरे पांचों इंग्रेडिएंट्स हैं। इस तरीके से आप बना करके मिक्स कर दीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स, जब दोबारा सौते कर लेंगे तब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आप इस तरीके से उसको एक एयरटाइट डब्बे में भर के रख सकते हैं। अब क्वांटिटी कितनी खानी है, 1 स्पून, 1 स्पून आपको फुल भर के एटलीस्ट वन मतलब थ्राइस टू फोर टाइम्स इन अ डे खाना है। सो ये जो है आपके मिल्क प्रोडक्शन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ये देखा हमने कि मुखवास किस तरीके से बनानी है। ये मुखवास हम सभी को लेनी है जिनका जो मिल्क बच्चों को फीड कर रहे हैं उनको। सो पहला और दूसरा उपाय सभी के लिए, जिनको मिल्क प्रोडक्शन आ रहा है उनके लिए मेंटेन करने के लिए है, जिनको मिल्क प्रोडक्शन कम आ रहा है उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है, और जिनको मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है उनका उनके लिए भी है। तो मिल्क प्रोडक्शन जिनको बिल्कुल नहीं है ये उनके लिए मिल्क कैसे उनको आए, अब मैं ये तीसरा उपाय बताने वाली हूँ आपको। ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनाई हुई है, काफी लोगों ने इसको यूज की हुई है, सो इसका एक्सपीरियंस काफी है। सो आप डरिए नहीं, आयुर्वेदिक चीजों का कोई भी नुकसान नहीं होता है, आपको दो दिन, एक से दो दिन के अंदर डिफरेंस दिख जाएगा। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ये आपको सूट नहीं कर रही है, एलर्जी हो रही है, आप उसका यूज करना छोड़ दीजिए, लेकिन प्लीज विश्वास कीजिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको एक या दो दिन के अंदर इसका डिफरेंस तुरंत दिख जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस जड़ी बूटी का नाम क्या है, कार्डबोल। ये देखिए कैसी दिखती है, तो ये जड़ी बूटी का नाम है कार्डबोल। आप इस जड़ी बूटी को लेकर के जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया है उसे कार्डबोल कहते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे गोंद होते हैं, गोंद की तरह हम गोंद खाते हैं, गुड़ के लड्डू, गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं उसी तरीके के ये होते हैं, बिल्कुल वैसे ही थोड़े से ब्राउनिश होते हैं। आप इसे लेकर के आपको इसे अच्छे से कूटना है, पीसना है, फाइन पाउडर बनाना है, और उसके साथ आपको गुड़ लेना है, गुड़ को ग्रेट करके इसको गुड़ में मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके आपको छोटी छोटी मटर के दाने के जैसे गोलियां बनानी है, दो गोली आपको लेना है और सीधा डायरेक्ट लेना है, दांत में टच नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आपके पेट में लेना है, पानी के साथ आप पी सकते हैं इसे, और डायरेक्ट लेकर के और दिन में आपको दो गोली जो है एक बार एक टाइम पे दो गोली लेनी है, और ये चीज ये जो दवाई का डोसेज है आपको दिन में 3 बार लेना है। आप 1 से 2 दिन में आप डेफिनेटली फर्क देखेंगे, आपके जो मिल्क प्रोडक्शन नहीं आ रहा था आपको मिल्क प्रोडक्शन आने लगेगा। सो फ्रेंड्स ये हो गए 3 तरीके ये सारे लोगों के लिए जिनको प्रोडक्शन आ रहा है, कम आ रहा है और नहीं आ रहा है। सो ये सबको फॉलो करना है। ये सारी चीजें जो है मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अगर मेरे छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल के ऐसे वीडियोस काफी सारे देखने चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।